हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे धनु लगन धनु राशि। धनु लगन धनु राशि मतलब आप देखेंगे तो मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा तीन नक्षत्रों की शक्ति लेकर चलने वाली राशि है। गुरु की मूल त्रिकोणीय राशि है। अकाल पुरुष की कुंडली में धर्म का घर कहा जाता है, धर्म का भाव है। आपका व्यक्तित्व तो अपने आप में अनूठा है। आप कंसंट्रेट हैं, लक्ष्य के प्रति एकाग्र हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हुए तो कोई शक नहीं है कि जीवन में जो कुछ आप प्राप्त करना चाहें प्राप्त ना कर पाए। अर्जुन जैसी दृष्टि है आपकी, आप जो लक्ष्य साध लेंगे वो सध जाएगा। तो अक्टूबर का माह कैसा जाएगा आपके लिए? सेहत कैसी होगी? धन संपदा की क्या स्थिति होगी? पराक्रम बंधु बांधुओं से स्नेह कैसा रहेगा? भूमि भवन वाहन संबंधित क्या सुख मिल रहे हैं? आपका प्रेम, आपका संतान और एजुकेशन की क्या स्थिति है? ऋण रोग दरिद्र तो नहीं आएंगे? दाम्पत्य जीवन में कैसा चल रहा है? आयु संबंधी कोई कष्ट अचानक तो नहीं मिलेगा? भाग्य साथ देगा कि नहीं? करोपत के क्या हाल हैं? सरकार से लाभ मिलेगा कि नहीं? और कितना पैसे कमाओगे भाई? और अंत में खर्च कहाँ करोगे? इसी की चर्चा करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनम्र अनुरोध है चैनल सब्सक्राइब करिए। ज्योतिष मंजरी वह चैनल है जो बात नक्षत्र तक की करता है। ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं, तो बात नेत्रों तक की, जिनमें ज्योति हो। अगर नक्षत्र की बात छोड़ देंगे तो आंखें तो हैं, ज्योति नहीं है, बस वैसे ही प्रोडक्शन हो जाएगा। तो हमारा चैनल नक्षत्रों की बात करता है, अतः आप इसे सपोर्ट करें। तो धनु लगन धनुराशि, धनु लगन धनुराशि मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा तीन नक्षत्रों से मिलकर बनता है। गुरु का मूल त्रिकोणीय लग्न है तो गुरु की गुरुता आपके अंदर विद्यमान रहती है। बात करें आपके स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य आपका बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यद्यपि आपके लग्नेश जो हैं शनि के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में हैं और वक्री हैं। क्या है? वक्री हैं। वक्री होने से कोई डरने की बात नहीं। वक्री मतलब थोड़ा स्लोली चलना, थोड़ा धीरे चलना, द्रुत गति से ना चल के स्लोली स्लोली चलना होता है। ये शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो होता है पैकिंग का नक्षत्र होता है। चीज़ों को जब आप यात्रा पर निकलते हैं तो पैक करते हैं ना, तो वैसे ही जो चीज़ें छूट रही हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, उनको कलेक्ट करने का नक्षत्र है ये। तो यहाँ पे गुरु आपसे पैकिंग करवाएंगे। तो स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बेहतर है। आपका लग्नेश अपने से चतुर्थ बैठा है, सुख के घर में बैठा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि सुख आपको ना मिले। सुख निश्चित रूप से आपको मिलेगा। गुरु चतुर्थ में ही योग के वक्री हैं, इसका मतलब गृह कार्य में जो आपकी परेशानी आ रही थी, घर आप बना रहे थे, घर नहीं ले पा रहे थे, वो घर आप यहाँ पे लेते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कोई वाहन संबंधी कष्ट था या जमीन आप बेचना चाहते थे, जमीन बिक नहीं रही थी, तो जमीन भी यहाँ पे बिचती हुई नजर आ रही है। कोई नया घर का कार्य, देखिए गोचर में एक माह के अंदर हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, आपके यहाँ पे चतुर्थेश की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो इस समय आपको कार्य करने में आसानी होगी, सफलता मिलेगी, उसी को इंडिकेट करता है यह गोचर। शनि महाराज आपके सेकंड हाउस में है और ये भी वक्री हैं, तो आपके वक्री धन के घर में वक्री है, बैंक बैलेंस के घर में वक्री है। तो यह जो शनि का वक्रत्व तो है, ये पहले चीज तो कुटुंब का घर है, तो कुटुंब से जुड़ाव करेगा। दूसरा ये पराक्रम का है, तो जहाँ पे आपने काम करने में कुछ भूल की थी उसको सुधार करेगा, पुराने कुटुंब मित्रों को जोड़ेगा। 23 अक्टूबर के बाद शनि यहीं पे मार्गी हो रहे हैं और शनि महाराज चल रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र। मंगल को सर्वाधिक शक्ति यहीं मिलती है, या यूं कहें मंगल महाराज धनिष्ठा के द्वितीय चरण में जाके उच्चता को प्राप्त होते हैं। तो वो नक्षत्र है जो शनि को उच्चता दे देता है, वो मंगल को उच्चता प्रदान करता है। तो शनि भी यहाँ पे बेहतर काम करेंगे, मंगल जैसे काम करने की कोशिश करेंगे। और मंगल आपके पंचमेश हैं, तो आपको प्रेम भी मिलेगा, अपनों से धन की प्राप्ति भी हो रही है, लेकिन स्लोली स्लोली। आपके कुंडली में मंगल महाराज आपके पंचमेश हैं और विदेश के स्वामी हैं। पंचमेश साथ में खष्टम से सप्तम है, शत्रुओं को खत्म करने का। और ये
जो कष्टम से द्वादश है ना, कष्टम क्या है, शत्रु का है, और द्वादश गुप्त शत्रुओं का है, गुप्त योजनाओं का है। तो ये आपको यहाँ पे मंगल महाराज कष्टम में चल रहे हैं, किसमें चल रहे हैं, मृग शिरा नक्षत्र में चल रहे हैं। अब मृग शिरा नक्षत्र में मंगल के चलने से क्या होगा कि यहाँ पे मंगल शत्रुहंता योग बनाएगा, शत्रुओं को मारने वाले बनाएंगे। किंतु ध्यान देने वाली बात यह है, आपके पंचमेश जा रहे हैं कष्टम में, तो उदर संबंधी आपको कष्ट हो सकता है। आपकी बुद्धि जो है सही जगह न लग के गलत जगह लग सकती है। आपकी संतान भी इस समय सही डायरेक्शन में जाके गलत डायरेक्शन में जा सकती है, जिनके साथ आपको उठना बैठना पसंद नहीं है। मंगल उन्हीं के साथ आपकी संतान को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है जिनसे हम चाहते हैं कि हम ना उठे बैठे, बच्चे हमारे उन्हीं से दोस्ती कर बैठते हैं। यह जो समय है निश्चित रूप से कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो 16 अक्टूबर तक जब तक ये वृषभ में है तब तक ऐसी स्थिति है, और उसके बाद चले जाएंगे मिथुन में, तो पराक्रम के घर में चले जाएंगे। और मिथुन में जा भी रहे तो अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं, इसलिए तनाव लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपके लव टू मैंने प्रेम से विवाह की स्थिति में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रेम विवाह की ओर अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सफलता मिल रही है। पंचम से तृतीय है तो एजुकेशन में, प्रेम में सफलता, पराक्रम के द्वारा सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। आपकी कुंडली में बुध महाराज आपके सप्तमेश हैं, व्यापार के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे बुध महाराज आपकी कुंडली में वक्री हो चुके हैं। तो वक्री होके भी ये दशम भाव में ही वक्री हैं, और इन्हीं को इनको दशम मतलब कन्या राशि में उच्चता मिलती है। अब ऐसे बुध महाराज जब अपने ही घर में हैं तो सरकार से आपको लाभ मिलने मिलना है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार से लाभ ना मिले। दशमेश का दशम में होना और दशम भाव में बैठे हुए ग्रह की जो दृष्टि होती है, या दृष्टि हो या ना हो, प्रभाव लगन पर पड़ता है, तो आपका व्यक्तित्व तेज हो जाएगा। व्यक्तित्व में वो ओज होगा, ओरा बनेगी कि लोग आपसे कनेक्ट होंगे और आपका सपोर्ट करेंगे। तो दशमेश का दशम भाव में होना एक बेहतरीन अवसर है। यदि आप सरकारी नौकरी की इच्छुक हैं या सरकारी नौकरी में आपने आवेदन कर रखा है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो बेहतरीन समय है, आपको सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। सरकार से कोई काम आपका रुका हुआ है, बन नहीं रहा है, तो यह समय सरकार से काम बना लेने का है, क्योंकि लोग आपकी सुनेंगे, लोग आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, ऑफिस जाओगे तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। बुध मैनेजमेंट का कारक है, तो आप मैनेज करना सीखिए, मैनेज करना सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से यह बुध आपको सफलता प्रदान करने वाला है। जीवन साथी का भी विकास हो रहा है, जीवन साथी का स्वामी भी उच्चता को प्राप्त हो रहा है। तो आप और आपके जीवन साथी दोनों इस समय अगर प्रयास कर रहे हैं तो सफलता दोनों को मिलनी सुनिश्चित है। आपकी कुंडली में जो सूर्य महाराज हैं भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य बहुत बड़ी चीज है। भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या नच पौरुषम। आदमी भाग्यशाली हो तो राहुल गांधी हो सकता है, कुछ भी उसके पीछे लाखों हजारों लोग चले जाते हैं, वो आटा को भी लीटर में बेचता है, ऐसी मशीन बनाता है आलू डालो सोना निकलता है, लेकिन उसको लोग प्राइम मिनिस्टर बनाने के चक्कर में, कुछ भी उसको बोलना नहीं आता, बुद्धि नाम की चीज नहीं है बंदे के पास। आप उसका भाषण सुनो, सबसे ज्यादा इस समय मनोरंजन वाला भाषण है तो उसी का है, लेकिन फिर भी वो बंदा विपक्ष का लीडर है, भविष्य में लोग उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं, देखना चाहते हैं, ये भाग्य की बात है। तो भाग्य आपका अपने से द्वितीय चल रहा है, किसकी राशि में चल रहा है, बुध की राशि में। सूर्य बुध को मित्र मानता है, बुध भी सूर्य को मित्र मानता है। बुध मतलब मीडिया, मीडिया सरकार के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, तो इस समय सरकार जो है मीडिया का चक्कर लगा रही है, मतलब आपके लिए। तो दशम भाव में गोचर भाग्य का निश्चित रूप से आपके भाग्य को सपोर्ट करने वाला है, भाग्य को सपोर्ट करने वाला है। तो यहाँ पे भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है, तो आपके बिगड़े हुए काम बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया या PCS वगैरह हो गया,
इस बीच आपका कोई एग्जाम है या इस बीच आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो सफल होने के पूरे चांसेस हैं। हमने एक वीडियो बनाया है, आप क्या आईएएस अधिकारी बनेंगे, आईएएस अधिकारी बनने के योग। उसमें एक खास बात है कि जब 10 मेष नवम भाव में हो, 9 मेष दसम भाव में हो, या दोनों एक साथ बैठ जाएं, तो ये फिर आपके अंदर क्षमता देते हैं कि आप उच्चाधिकारी बन सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथ में एक और खास बात है, आपकी कुंडली में जो खष्टम भाव होता है वो नौकरी का होता है, छठवां घर नौकरी का होता है, और एकादश भाव खष्टम से खष्टम होता है, लाभ का होता है। तो लाभेश शुक्र भी, खष्टे शुक्र भी इस समय यहीं पे गोचर कर रहे हैं। अब इनका यहाँ पे जो गोचर करना है वो आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है। सूर्य महाराज की बात करें तो 17 अक्टूबर तक ये कन्या में रहेंगे, तो 17 अक्टूबर के पश्चात फिर ये तुला में जाएंगे। तुला में जाते ही निष्क नहीं होंगे, स्वाति में निष्ठा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तक आपको निश्चित रूप से लाभ देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। शुक्र महाराज 19 अक्टूबर तक कन्या में है, इसके बाद फिर जाएंगे अपनी ही मूल त्रिकोणीय राशि तुला में, तो आय के स्रोत को बढ़ाने वाले हैं। बुध महाराज 26 अक्टूबर तक कन्या में है, इसके पश्चात तुला में जाएंगे। तो इन दोनों, इन तीनों ग्रहों का जो मिश्रण है वो आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा है। कोई संदेह नहीं है कि इस समय अगर आप सरकार से संपर्क करते हैं, सरकार से संबंधित कार्य करते हैं, तो आपको सफलता ना मिले, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब आपको अपने बर्थ चार्ट में देखना है। देखिए आपकी राशि के कम से कम भारत में ही 15 करोड़ लोग होंगे, तो 15 करोड़ लोगों को तो नौकरी नहीं मिलने वाली है, सरकार के पास इन्हें नौकरी ही नहीं है, लेकिन सरकार से लाभ तो आप ले सकते हैं। आपकी महादशा अंतरदशा शुभ चल रही है तो निश्चित रूप से आप ज़्यादा लाभ पाएंगे। महादशा अंतरदशा शुभ नहीं चल रही तब भी आप कुछ न कुछ लाभ लेकर ही जाएंगे, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। आपके कुंडली में राहु महाराज और केतु महाराज, राहु महाराज आपके पंचम भाव में चल रहे हैं और पंचम भाव में भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं। भरणी शुक्र का प्रथम नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, भरणी का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। तो राहु पंचम भाव में आपकी जो बुद्धि है ना उसको तीक्ष्ण बना रहे हैं, तीक्ष्ण बुद्धि। तो तीक्ष्ण बुद्धि की वजह से आप भरण पोषण करने में सफल हैं, ये आपको सफलता देने वाला है। एकादश भाव में जो केतु महाराज है वो स्वाति नक्षत्र में है, स्वाति जो है थोड़ा सा तरसा देता है, स्वाति संघर्ष कराता है। तो लाभ की संभावनाएं तो आपके लिए पर्याप्त मात्रा में बनती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन लाभ मिलने में देरी हो रही है। तो इसको प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए आप सेहत अच्छी रहे, मान सम्मान मिले, भूमि भवन वाहन संबंधी कष्ट ना मिले। यदि आपको पता है कि आपकी धनु लगन है तो पुखराज पहन के रखिए ना, कोई डाउट नहीं है। हाँ राशि है तो राशि फिर देखना पड़ेगा किस लग्न के साथ कौन सी राशि कनेक्ट है, उसके अनुसार स्टोन पहनिएगा, नहीं तो मत पहनिएगा, नुकसान कर सकती है। मान लीजिए तुला लग्न है, धनु राशि है, पुखराज पहनोगे परेशानी बढ़ जाएगी, बीमारी बढ़ जाएगी, तनाव बढ़ जाएगा। इसलिए सिर्फ राशि पे स्टोन पहनने की कोशिश मत करिएगा लग्न के साथ। नहीं समझ में आता दिए नंबरों पर संपर्क करिए, आपको बताया जाएगा। शनि महाराज भी आपके वक्री हैं तो गुरु महाराज के लिए क्या करिए, पुखराज पहनिए। अगर आपको लग्न पता है, नहीं पता है, येलो कलर का चंदन लगाइए ना, गुरु के मंत्रों का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाला है। गुरु सदृश लोगों को प्रणाम करते रहिए। शनि भी वक्री हैं, शनि के लिए कुछ नहीं करना है, शनि के मंत्रों का जाप करते रहिए, गरीबों को थोड़ा खिलाते रहिए, उनका अपमान मत करिए, बस इतना ही करते रहेंगे तो शनि आपके लिए ठीक रहेंगे। मंगल आपके खष्टम भाव में जा रहे हैं, उधर संबंधी कष्ट दे सकते हैं, संतान आपके अंगेष्ट जा सकती है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए ना, एक हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा लगाइए या हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, सिंदूर दान करिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। बुध आपके अच्छे हैं, बुध में कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट काम करने वाले हैं। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी और श्रेष्ठ फल देने वाला है। तो ओम गम गणपतये नमः करते हुए दूर्वा चढ़ाइए। शुक्र महाराज आपके नीच के हो रहे हैं, तो नीच का शुक्र खष्टेश है, खष्टेश मतलब शत्रु, शत्रु आपके काम में बाधा पहुंचा सकते हैं। आप शुक्र का स्टोन नहीं पहन सकते, किसी भी स्थिति में स्टोन नहीं पहन सकते, आपको नुकसान कर देगा। तो आप शुक्र के मंत्रों का जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, या गाय को कंटिन्यू रोटी खिलाते रहें। लक्ष्मी श्री सूक्त का पाठ करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। सूर्य महाराज अपने से द्वितीय जा रहे हैं, तो द्वितीय बुध की राशि में जा रहे हैं, बहुत पीड़ित नहीं है। बुध की राशि में अपने ही नक्षत्र में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, फिर हस्त नक्षत्र और फिर चित्रा नक्षत्र,
तो तीनों नक्षत्र जो है इनके सपोर्ट, एक तो इनका स्वतः नक्षत्र है, दूसरा चंद्रमा का, तीसरा मंगल का, तो सपोर्ट करते हुए नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्य की स्थिति बेहतर रहेगी, फिर भी संडे के दिन सूर्य का विशेष पूजा आराधना या एक अनार लीजिए, आधा घंटा फाड़ के सूर्य की रोशनी में रखिए, खा लीजिए, माणिक जैसा काम करेगा, माणिक जैसा आपको चमका देगा। राहु लगभग स्थिति ठीक है। केतु के लिए केतु के मंत्र